हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय चैनल, एवरीवन लव्स क्राफ्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस, हैप्पी भाई दूज एंड हैप्पी गोवर्धन टू ऑल। तो आज हम रंगोली बनाएंगे पेंट से। आप इसको रंगोली के कलर से भी बना सकते हैं एंड यूज़ एक्रेलिक पेंट ओनली। फैब्रिक पेंट अगर आप यूज़ करेंगे तो उसका निशान नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। मैंने एक बारी गलती से यूज़ कर दिया था, उसका निशान नहीं गया था। तो प्लीज़ फैब्रिक पेंट ना यूज़ करें, आप एक्रेलिक ही यूज़ करें। ये अगर आपको हटानी है तो आसानी से हट भी जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो जो ये रंगोली है ये बॉर्डर्स के लिए, मतलब वॉल के सामने अगर आपको बनानी है उसके लिए है। तो हम पहले सेंटर में एक फ्लावर बनाएंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो इसकी हम आउटलाइन बनाएंगे इस रंगोली की वाइट कलर से, उसे थिक रखना है, क्योंकि कई बार जब हम पेंट करते हैं, अंदर फिल पेंट करते हैं, तो वो बॉर्डर्स पे भी आ जाता है, आउटलाइन पे भी आ जाता है, जिससे जो आउटलाइन होती है वो थिन लगने लग जाती है। तो इसको प्लीज़ थोड़ा थिक बनाइएगा और एकदम सेंटर में होना चाहिए आपको, मतलब जैसे भी देखना है जगह। और इसके साइड में, दोनों साइड में एक बहुत अच्छे से डिज़ाइन बनाएंगे हम। और जो मैंने लाइन बनाई हुई है वाइट कलर की, उसमें भी एक डिज़ाइन बनेगी, तो वो हम बाद में बनाएंगे, पहले हम पूरी रंगोली बनाएंगे। आप वो हर कोई कलर यूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, ज़रूरी नहीं है जो मैंने किया आप भी वो यूज़ करें। सो जो थोड़े ब्राइट से, बस ये ध्यान रखें कि जो कलर हो थोड़े ब्राइट हो, तो जिससे रंगोली बहुत निखर के आती है, बहुत अच्छी लगती है।
सो हेयर इज़ द फाइनल रिजल्ट. आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रंगोली कैसे लगी. एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. हैप्पी दिवाली.